देखें हार्श रियलिटी है कि बताऊंगा, आईपीएल की क्रिकेट टॉप पे जा रही है लेकिन आईपीएल में अंपायरिंग पुअर जा रही है। जो संजू सैमसन का आउट है मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। अगर बीसीसीआई या बोर्ड थोड़ा सा इस पर तवज्जो देता तो आपको नजर आता कि वो छक्का लग सकता था कहीं ना कहीं। मतलब कि यार एक प्लेयर जो आपके वर्ल्ड कप का हिस्सा है, एक ऊपर एंगल देखा, साइड देखा, कर दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा खेल रहा था, इतनी अच्छी निक में जा रहा था, इंडिया के स्क्वाड में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी लीग, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते ना। मतलब कि आप मानते हैं कि वो आउट नहीं थे संजू? आपने मैच नहीं देखा, हमने तो मैच देखा, हमें पता वो नहीं था, मतलब आउट है ही नहीं था। मतलब 86 पे आउट हो गया, इनकी फाटनी थी, डर रहे थे। वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन बाय आईपीएल, और जो भी अंपायर्स वहां पे थे यकीन करें वो बिल्कुल 100% जो है वो सिक्स था। मुझे तो बड़ी तब चढ़ी है जब संजू सैमसन का इन्होंने गलत आउट किया। ये आउट लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था उसका पाउंड बिल्कुल टच हुआ, वो बकायदा उसका पाउंड बिल्कुल साथ हल्का सा लग भी रहा था जैसे उसने खींचा, ठीक है। फील भी अपील किया अंदर, रोहित शर्मा ने शो किया, विराट कोहली ने शो किया, सूर्य कुमार यादव ने शो किया, और उसके बाद जो है जायसवाल ने शो किया। आज ये संजू सैमसन की बारी थी, ये भी शो कर देते, ये रिकॉर्ड लग जाना था आईपीएल के अंदर कि यार इंडिया के जो T20 के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो सारे सो मार रहे आईपीएल के अंदर, T20 के अंदर, और आगे जगह वो क्या हाल करता। वो कैच के अलावा भी एक वाइट भी देख लें आप, आज वाइट नहीं थी, फ्रंट के फ्रंट से एंगल से हम कुछ देख रहे थे, बैक एंगल से कुछ नजर आ रहा था, वही कह रहा हूँ, फ्रंट से आधा बॉल बाहर नजर आ रहा है, बैक से देख रहे तो आधा बॉल अंदर नजर आ रहा है। मैंने कि गेम चल रही क्या रही है, चल क्या रही है, समझ से बाहर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज दिल्ली वर्सेस राजस्थान के मैच में देखा होगा कि संजू सैमसन ने 46/86 किया, उनकी जो विकेट गिरी, कैच आउट हुआ, क्या आपको लगता है वो आउट था? वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन बाय आईपीएल, और जो भी अंपायर्स वहां पे थे यकीन करें वो बिल्कुल 100% जो है वो सिक्स था। बजाय कि आप एक दो झलक देखें, आप उसको हर एंगल से देखना चाहिए था उन्हें। हमने जिस एंगल से देखे, जो हमें नजर आया भाई, साफ पाउंड टच हुआ था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। हम तो ये बैठे हुए थे भाई छक्का हो गया भाई, हम तो उसकी सेंचुरी के इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन भाई इतना वर्स्ट डिसीजन के भाई मैच को ही बदल के रख दिया, उस एक मैच की वजह से आज राजस्थान हार गया। एक ऊपर एंगल देखा, साइड देखा, कर दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना अच्छा खेल रहा था, इतनी अच्छी निक में जा रहा था, इंडिया के स्क्वाड में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी लीग, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते ना। देखिए डेफिनेटली बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। मुझे लगा कि जब मैं मैच लाइव देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं उसका फुट हल्का सा टच हुआ था, पर बाउंड्री रॉप हल्की सी हिली है। यकीन करें कि उस डिसीजन को इतनी अहमियत ही नहीं दी गई भाई, उनका मेन बैट्समैन 86 रन पे खड़ा हुआ है, मैच विनिंग की तरफ जा रहा था, मैच विनिंग की तरफ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मसला हुआ है, राजस्थान को हरवाया गया है। अगर आप देखो वो वाइट जो लास्ट 19वें ओवर में रामवर पाउल जब खड़ा है, तब भी डिसीजन में थोड़ी सी कंट्रोवर्शी लगी है कि यार ये ऐसा नहीं, वो वाइट बन सकती थी। उसके अलावा देखिए मेन डिसीजन तो ये है ना यार, वो फॉर्म में खड़ा है, छक्का लगा रहा है, और आप उसको चेक भी नहीं करे प्रॉपरली, और वो अंपायर के पास संजू सैमसन गया है तो उन्होंने जूम करके भी एंगल को देखा, वो पीछे 30 फुट से देख रहे हैं जो नजर आया, उन्होंने कहा आउट है। यार सीधी सी बात है, जब वो कैच हुआ ना तो लग रहा था कि ये छक्का हो गया, लेकिन उन्होंने छक्के की बजाय कैमरा में मैंने बकायदा दिखाया भी कि उसका पाँव बाउंड्री के ऊपर टच भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैच हो गया। कॉन्ट्रोवर्शियल लगा बिल्कुल टोटली, यानी कि पता नहीं ये क्या अंपायरिंग हो रही है, कैमरे के अंदर रह के भी यानी कि वो उल्टा ही हिसाब हुआ पड़ा अंपायरिंग का। वो थोड़ा अंपायर देखता है, लो जी कैच हो गया, लो जी कैच दे दिया, अंपायर ने कैच दे दिया, कैच दे दिया, लेकिन ये पक्की बात है जब वो बाहर जा रहा था सभी कह रहे थे कि तू बाहर ना आ, तू अंदर ही खड़ा हो, तो बड़ा अपील कर, लेकिन वो यानी कि संजू सैमसन ने बड़ी यानी कि वो बहादुरी का मुजाहिरा किया कि वो उसने बर्दाश्त कर लिया इस चीज़ को। कई और प्लेयर होता ना, वो बिलीव करो वो अंपायर की जगह गए कहना गल पड़ जाता, ये तुमने मुझे क्या यानी कि तुमने आउट किया, इतने यानी कि बुरे तरीके से तुमने मुझे आउट करवा दिया यार, 86 ओवर खड़ा हुआ था। आपको बहुत पुअर अंपायरिंग नहीं लगी यार? देखें हार्श रियलिटी है कि बताऊंगा, आईपीएल की क्रिकेट टॉप पे जा रही है लेकिन आईपीएल में अंपायरिंग पुअर जा रही है। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, आप पीछे भी चले जाएं आपको नजर आएगा कि अंपायर आप देख लें दुनिया का कोई भी बेहतरीन अंपायर इसमें नहीं है, ना ही कुमार धर्मा सिन्हा, ना पाकिस्तान के लीमडार की बात कर लें, या मारिस रिसमस की बात कर लें, दुनिया का कोई भी अच्छा रॉय विल्सन की बात कर लें, कोई भी अच्छा अंपायर आपको नजर नहीं आएगा। अंपायर इंडिया के हैं, मतलब नो डाउट के अंपायर वो भी बेहतर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इतनी बड़ी लीग इतना छोटा डिसीजन कैसे कर सकते हैं? फिर उसके बाद देख लें वो कैच के अलावा भी एक वाइट भी देख लें आप, जो उन्होंने लास्ट में वाइट दी है, वाइट नहीं दी, फ्रंट के फ्रंट से एंगल से हम कुछ देख रहे थे, बैक एंगल से कुछ नजर आ रहा था, वही कह रहा हूँ, फ्रंट से आधा बॉल बाहर नजर आ रहा है, बैक से देख रहे तो आधा बॉल अंदर नजर आ रहा है। मैंने कि गेम चल रही क्या रही है, चल क्या रही है, समझ से बाहर आएगी। आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा ने शो किया, विराट कोहली ने शो किया, सूर्य कुमार यादव ने शो किया, और उसके बाद जो है जायसवाल ने शो किया। आज ये संजू सैमसन की बारी थी, ये भी शो कर देते, ये रिकॉर्ड लग जाना था आईपीएल के अंदर कि यार इंडिया के जो T20 के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो सारे सो मार रहे आईपीएल के अंदर, T20 के अंदर
अंदर और आगे जगह वो क्या हाल करते थे। दुख हुआ आपको जब संजू सैमसन आउट? यार मुझे तो बड़ी तप चढ़ी है जब संजू सैमसन का इन्होंने गलत आउट किया। ये आउट लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था उसका पाउंड बिल्कुल टच हुआ, वो बकायदा उसका पाउंड बिल्कुल साथ हल्का सा लग भी रहा था जैसे उसने खींचा, ठीक है फील भी हो रहा। संजू सैमसन की सेंचुरी हुई ना, हमारे लिए संजू सैमसन की जो है सेंचुरी वो हो चुकी हुई है। संजू सैमसन ने यार वाकई आज बता दिया कि मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए 86 मार है यार, ये क्या प्लेयर हो सकता है। 46 में दो तीन बोले और मिलती सो जाना लाइव। मैं कहता हूँ तीन बोले में ऊपर संजू सैमसन थे, तीन छक्के मारे थे और ये राजस्थान को मैच भी जिता दे रहा था आज, जो ये राजस्थान मैच हार गया। पर गलत हुआ यार सैमसन के साथ, सेंचुरी की तरफ जा रहा था, अगली दो तीन बॉल में सो हो जाना था, पर ये मैच वन साइडेड था, राजस्थान जीत रहा था ये मैच। डेफिनेटली सर देखें 29 बॉल पे 51 रन कितने के ज्यादा रन है। आईपीएल तो वो लीग है जहां 30 बॉल पे 96 रन बन जाते थे, तो ये आज वो इंडिया हार भी 12-14 रन से गए हैं, तो मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आया। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे आज? यार राजस्थान को कर रहा था, क्योंकि यार सैमसन बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल रहा था, उसका वर्ल्ड कप में इंक्लूजन भी हो गया और उसके बाद इस तरह की इनिंग खेलना वो उसको मजीद कॉन्फिडेंस देता और वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता जाके। जो संजू सैमसन का आउट है मुझे लग रहा है कि वो कंट्रोवर्सियल डिसीजन था, अगर बीसीसीआई या बोर्ड थोड़ा सा इस पर तवज्जो देता तो आपको नजर आता कि वो छक्का लग सकता था कहीं ना कहीं। मतलब कि यार एक प्लेयर जो आपके वर्ल्ड कप का हिस्सा है, कौन से ही कोई हमें पहली बॉल तो नहीं दिखा रहे, हमें दूसरी तो नहीं दिखा रहे, लेकिन सेम बॉल कैसे एंगल में डिफरेंट हो सकती है। तो आज बड़ी अंपायरिंग जो है वो पोअर नजर आई, लगता है कि भाई जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की जो है तरफ आज सारा जो फेवर था आज अंपायर की तरफ था और राजस्थान रॉयल्स की तरफ नहीं था। भाई राजस्थान रॉयल्स के सारे जल रहे थे राजस्थान रॉयल्स की वजह से कि भाई स्ट्रीक पे स्ट्रीक बनाती जा रही है, किसी से हार नहीं रही, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं भाई संजू सैमसन नहीं भाई हमने जीतने देंगे। मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा था, भाई संजू सैमसन को सपोर्ट कर रहा था, जैसे वो पहले मैच से लेके अभी तक खेल रहा था, जैसे वो परफॉर्म कर रहा था, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भाई मैं उसका फैन हूँ, मुझे बहुत जबरदस्त। वो विराट ने शो किया, उसकी भी टीम में जगह है, रोहित भी है, सचिन जो जो सेंचुरी कर रहा है वो टीम में जगह मिली है। पता नहीं क्या हो गया है, पहले की बात लग थी जैसे T20 वर्ल्ड कप का स्कोर का ऐलान हुआ है सब पागल ही हो गए। सूर्य कुमार यादव सेंचुरी मार गया है, हार्दिक पांड्या 3 मैचों में 7 विकेट उड़ा के ले गया और आज ये संजू सैमसन भी जो है वो सेंचुरी के करीब था, जो कि होनी चाहिए थी, उसकी सेंचुरी बनती भी थी उसकी अगर उसको नॉट आउट देते। और जितने भी प्लेयर्स जो है वो T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए हैं वो तो तूफानी बन गए हैं अगली दुनिया के लिए। अब तो मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने अपने फॉर्म लिया है ना, जैसे उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है, मुझे लगता है इनको कोई रोक पाएगा T20 वर्ल्ड कप में। देखिए अगर अकेला खड़ा सैमसन खड़ा रहता तो अगले एक शायद 2-3 ओवर में चेज हो जाना था, चेज हो जाना था, वो आउट किया वहीं से, कोई प्लेयर नहीं रहा टीम का, वो कॉन्फिडेंस सारा गिरा उसका गिरा है। ऐसे आपके स्क्वाड का प्लेयर है इंडिया का, ऐसे कॉन्फिडेंस हो ना उसका लूज करना। आईपीएल इतनी बड़ी लीग में इतना छोटा, इतनी बड़ी लीग में ऐसे छोटा डिसीजन, वही कह रहा हूं ना इतनी बड़ी लीग करोड़ों रुपया, जो अपनी जर्सी में हेलीकॉप्टर, जो अपनी सरमनियों में करोड़ों रुपया, तो ऐसे एम्पायर मैं अब एम्पायर को क्या कहूँ यार, ऐसे तो नहीं आउट देना चाहिए ना। वो प्लेयर खेल सेट वेल डिजर्व 100 वो डिजर्व करता था, जिस तरह उन्होंने किया यार गलत किया। संजू सैमसन को जो आउट दिया गया वो उसका आउट नहीं था यार, उसका छक्का था यार, वो पैर उसका लगा हुआ था यार, ये कहाँ से आ गया पैर यार, क्या बूटी पी हुई थी इन्होंने। मतलब कि आप मानते हो कि वो आउट नहीं था संजू? आपने मैच नहीं देखा, हमने तो मैच देखा, हमें पता वो नहीं था, आउट है ही नहीं था, मतलब 86 पे आउट हो गया। इनकी फाटरी थी, डर रहे थे, जिस वजह से इन्होंने उसे आउट दे दिया कि यार ये कहीं 100+ ना कर दे। आज ही तो संजू सैमसन अच्छे लेवल पे चल रहा था और अच्छा खेल रहा था।